नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। बात करेंगे 25 जून 2019 की, कि 25 जून का दिन आप सबके लिए कैसा रहेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। साथ ही साथ दोस्तों, नानक मत्था की मैंने वीडियो डाली है, आप उसको ज़रूर देखिएगा और वहाँ पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। दोस्तों, आज अगर अभिजीत मुहूर्त के बारे में बताऊँ आपको, तो 11:56 सुबह से लेकर 12:51 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। वहीं राहु काल जो रहेगा वो आपका 3:51 से लेकर 5:35 शाम को रहेगा। तो इस बीच में आपको कोई भी शुभ काम जो है वो नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं हम लोग मेष राशि की। तो मेष राशि वालों, आज कुछ पुरानी बातों को लेकर आप कुछ भावनाओं में बह सकते हैं। कोई छोटी सी बात कहीं ना कहीं आपको पुरानी ख्यालों में लेके जा सकती है। पुराने दोस्त से कुछ मुलाकात हो सकती है। जो दिक्कतें लव लाइफ में चल रही थी, उसमें आप समझौता करने के मूड में कल आ सकते हैं। जहाँ तक आपका जो प्रेम संबंध है, विशेषकर उसमें छोटी मोटी खुशियाँ अगर आपको मिल रही हैं, तो इसको आपको एक्सेप्ट करने में आपको कोई बुराई नहीं है। आपको चाहिए कि आप गंभीरतापूर्वक अपने प्रेम संबंधों को देखें और कहीं ना कहीं कुछ हल्के फुल्के कुछ जो मोमेंट्स होते हैं उनको एंजॉय करें। जहाँ तक आपके कैरियर और धन की बात है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है अपने पुराने दोस्त से। कहीं ना कहीं अगर आप जॉब की तलाश में हैं, तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं कल, और कहीं ना कहीं कुछ इंटरव्यू जैसी बात आपकी हो सकती है और इंटरव्यू देने जा सकते हैं। कल ऑफिशियल कपड़े पहन कर जाएँ, यानी कि जो कपड़े प्रोफेशनल कपड़े होते हैं वो पहन कर जाएंगे, तो आपकी जो जॉब चांसेस हैं वो आपके अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। बट ज़्यादा इमोशंस पे ना बहें तो बेहतर रहेगा आपके लिए। वृषभ राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इन डेप्थ एनालिसिस करने के मूड में हैं, और जो परियोजनाएं आपने बनाई हैं उस पर आप मेहनत भी कर रहे हैं, और ये मेहनत आपकी रंग लेकर आएगी, इसमें कोई भी शक नहीं है। आपको कल चारों तरफ से तारीफ मिलती हुई दिखाई देगी। देखिए, प्यार का जीवन जो है वो आपका थोड़ा सा एवरेज चल रहा है इस समय, और आपको चाहिए कि आप इसके अंदर कुछ गलत फहमियों को जगह ना दें, क्योंकि पिछले दिनों कुछ लोग ऐसे रहे जिन्होंने भरपूर कोशिश की कि आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की जाए। तो इस रिश्ते को, इनकी इम्पोर्टेंस को आपको समझना चाहिए और उसी तरह से फिर अपने आगे की चीज़ों को प्लान करना चाहिए। कार्यस्थल पर, नौकरी में, व्यवसाय में, कहीं पर किसी से उलझे ना तो बेहतर रहेगा। किसी अनुभवी व्यक्ति का संगत पकड़े कल, तो बेहतर आपको रिजल्ट मिलते हुए कल आपको दिखाई देंगे। मिथुन राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज जिंदगी में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। बहुत जल्दी ये उतार चढ़ाव आपकी ज़िंदगी में ख़त्म होंगे और कहीं ना कहीं आपको नज़रिया यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा। देखिए, हेल्थ के प्रति थोड़ा सा आपको सचेत रहना है। कल गुस्सा कम करना है तो बेहतर रहेगा। ज़्यादा प्रोएक्टिव रिएक्शंस ना दें तो बेहतर है। दूसरों की गलतियों पे ज़्यादा ध्यान ना दें, अपने काम से ध्यान रखेंगे तो बेहतर रहेगा। कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ यहाँ पर ठीक होती हुई दिखाई देगी। कुछ ना कुछ समय आपको उनके साथ बिताने का मौका मिलेगा, और कहीं ना कहीं विचारों में असमानता जो है वो कल ऑफिस में रह सकती है। तो विवादों से कल दूर रहें तो बेहतर रहेगा, नहीं तो मन मुटाव की स्थिति आपकी पैदा हो सकती है। दिन कुल मिलाकर थोड़ा सा कहूँगा कि एवरेज है, कुछ खास दिन आपके लिए कल होता हुआ दिखाई नहीं देता। कर्क राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज थोड़ा सा लचीला रुख अपनाने में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि फ्लेक्सिबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज आपका मन थोड़ा सा अड़ियल भी रहेगा, बीच बीच में किसी बात पर आप जबरदस्ती अड़ सकते हैं। मैं कहूँगा अड़ने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट सकती हैं जिसको आज जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी, इसलिए थोड़ा सा संभल कर देख कर चलने की आवश्यकता है। लव लाइफ थोड़ी सी यहाँ पर ठहरी हुई है, और आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा समय अपने प्रीतम के साथ बिताएं तो बेहतर रहेगा। और अगर आप कुछ अकेले महसूस कर रहे हैं, तो कुछ लाइट म्यूजिक आप सुन लें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि मौसम भी अब सुहावना हो चला है। देखिए, यात्राओं के योग जो हैं वो बन रहे हैं आपके, अगर कैरियर के बारे में बात करूं। और ये राजनीति चल रही है कुछ ऑफिस में, जो कहीं ना कहीं स्थितियां आपकी खराब कर रही हैं। ईर्ष्या करने
करते हैं कुछ लोग आपसे, तो उन लोगों से आपको सावधान रहना है और ऐसे लोगों की आपको पहचान भी करनी है, जरूरी है। सिंह राशि के बारे में बात कर लेते हैं, तो सावधान रहने की जरूरत है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके मुंह पर कुछ और सामने कुछ की स्थिति है, आपको ऐसे लोगों से, छुपे हुए शत्रुओं से आपको बहुत ही ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं ये है कि आप जो है ऐसे लोगों की चल पहचान करने में सामर्थ्यवान भी रहेंगे, लेकिन आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहें और अपने खाने पीने की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। अभी बहुत सारी बातें हैं जो सीमित हैं और कहीं ना कहीं ये आपको चाहिए कि आप उसका साझा करना स्टार्ट करें अपने पार्टनर के साथ या अपने किसी दोस्त के साथ, जिससे आप अपने आप को हल्का महसूस कर पाएं। जहाँ तक आपकी है करियर की बात है, वो मैं कहूँगा कि ठीक ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात वहाँ पर दिखाई जो है वो नहीं देती। कन्या राशि के बारे में बात कर लेते हैं, तो आज आप अत्यधिक काम करने की चक्कर में है, लेकिन कहीं ना कहीं उतना काम आज आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि स्वास्थ्य उतना ज़्यादा आपका साथ नहीं दे रहा है। हालांकि दिन के अंत में स्थितियां बेहतर होती हुई दिखाई देंगी, सकारात्मक होते हुए दिखाई देंगे। पेट से रिलेटेड कुछ दिक्कतें आपको हो सकती हैं, इसलिए बाहर का खाना ना खाएं तो बेहतर रहेगा। आज का माहौल भी आपका ठीक रहेगा। पार्टनर के साथ योजना बनाकर आप काम कर सकते हैं और अच्छा समय है। थोड़ा सा अगर आप अपने पार्टनर के पास जाना चाहते हैं तो आप सारी दिक्कतों को भूलकर आगे बढ़ सकते हैं। आज का दिन आपके लिए ठीक रहेगा। आज आप उन सभी गलतियों को माफ़ करते हुए दिखाई देंगे जो पिछले दिनों आपके निकट संबंधी लोगों के साथ हुई, तो आशावादी बने रहें और कहीं ना कहीं अपने आप को आगे लेकर जाएं। तुला राशि के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर कुछ रिस्क लेने की मोमेंट्स अब आ रही हैं जब आपको रिस्क लेना पड़ेगा। एक मजबूत फैसले आपको कर लेने पड़ सकते हैं और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ अगर आ रही हैं और आपका विश्वास है कि आप उन चीज़ों पर अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं, तो मैं कहूँगा कि दोनों हाथों से उन्हें ग्रैब कीजिए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आप समय पीछे मुड़कर देखने का नहीं, आगे चलकर काम करने का है। दिन की शुरुआत और अंत थोड़ी धीमी रफ्तार से करें तो बेहतर रहेगा। आपके लिए चाहिए कि आपको साथी की जो है महत्वपूर्ण सलाह मिल रही है और ये सुनने में आपको अच्छा भी लग रहा है कि साथी आपके साथ है, और कहीं ना कहीं ये वित्तीय स्थितियों में भी आपकी हेल्प यहाँ पर करता हुआ दिखाई देगा। कुछ बड़े लोगों से मुलाकात कल संभव है और एक बेहतर जागरूक होना आपके लिए कल आपके लिए ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। तो बेहतर ये रहे कि अपने आँख नाक कान सभी को ओपन रखें, जिससे आपको स्थितियाँ आपकी बेहतर और सुनिश्चित तरीके से आप आगे को अपने बढ़ पाएँ। वृश्चिक राशि के बारे में बात कर लेते हैं, तो इस समय ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस अपने आप पर फोकस रखें, अपने काम पर फोकस रखें। आपकी बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी और कहीं ना कहीं नियमित रूप से अगर आप काम करते रहेंगे तो ऐसी कोई दिक्कत आपको दिखाई नहीं देगी। आज की जो संभावनाएं हैं कि आप थोड़ा सा तनाव आपको कार्य से रिलेटेड झेलना पड़ सकता है। अभी अगर आपकी लव रिलेशनशिप में कुछ गलतफहमी चल रही हैं तो शायद उस चीज़ को ठीक करने का समय अब आ चुका है। आप चाहें तो बातचीत करके इन समस्याओं को सुलझा सकते हैं। कार्य क्षेत्र के लिए दिन काफ़ी अच्छा रहेगा। आज कुछ नई बैठकें हो सकती हैं, कुछ नई परियोजनाओं पर काम हो सकता है और कहीं ना कहीं आपकी स्थितियां बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। आपके प्रयासों की सराहना की जाएगी और कहीं ना कहीं आज आप आगे चलकर कुछ लॉन्ग टर्म निवेश करने के मूड में भी मुझे दिखाई देते हैं। धनुराशि के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा बातों को आपको ध्यानपूर्वक सुनना होगा क्योंकि जल्दबाजी के लेने से लेने लेने से आपको बचना होगा। सामने वाले को इतनी छूट ना दे कि वह आपको रौंद कर आगे बढ़ जाए। जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, यहाँ पर फिटनेस रूटीन पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब समय आ गया है कि जब आप अपने बैक ऑन ट्रैक आ जाए। सुंदरता अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अपने पार्टनर के पास जाकर उनकी खबर ले लें तो बेहतर रहेगा। जिम्मेदारियों से बचने की जो प्रवृत्ति है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपको थोड़ा सा तालमेल बनाना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कतें आपको हो सकती हैं। कुछ स्थितियां ऐसी हैं कि समय थोड़ा सा मध्यम है, तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता, एक्स्ट्रा केयर करने की आवश्यकता कल पड़ेगी ऑफिस के अंदर। मकर राशि के बारे में बात कर लेते हैं, आज का दिन थोड़ा सा इनसर्टेनिटी लेकर आएगा जिसके कारण आपको अधिक सावधान रहने की ज़रूरत है। ये समय ऐसा है कि आप
को काफ़ी कुछ नया एक्सपीरियंस देखा जाएगा, और उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जो चेहरे हैं वो आपके सामने आएंगे। अगर कोई ऐसा आपके नज़दीक है जिसका आकर्षण ज़बरदस्त है, तो उसके दिल में आपको जगह बनाने की कोशिश करनी चाहिए, और ये समय ले सकती है बात। और कहीं ना कहीं जब आप उसके दिल में अपने लिए जगह बना लेंगे, या वो आपके लिए अपने दिल में जगह बना लेगा, तो स्थितियाँ आपकी लव रिलेशनशिप्स के लिए बेहतर हो जाएंगी। क्योंकि आप कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनके द्वारा उनके ऊपर आकर्षित हैं। ग्रहों की ऊर्जा आपको प्राप्त हो रही है, और कहीं ना कहीं अपने दिल की बातों को सुने तो बेहतर रहेगा। और जो आपका दिल गवाही दे रहा है, उसके जो अर्थ निकल रहे हैं, उसको समझने का प्रयास करें, और आगे बढ़ जाएंगे आप। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की, तो स्थितियाँ बदल रही हैं धीरे धीरे। आपको सोच समझ कर फैसले लेने होंगे, और कई बार फैसलों में चेंजेस भी करने होंगे। अपने जीवन में आपको एक अधिक जिम्मेदार बनना होगा, और कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य है उसकी तरफ भी आपको ध्यान देना होगा। आप और आपके साथी आज कहीं ना कहीं एक तरफ सोचने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जो प्राइवेट मोमेंट्स हैं उनको अपने ऊपर हावी ना होने दें, और इसको थोड़ा सा अलग लेकर चलें। पहले अपने जो बीच में गलतफहमियाँ चल रही हैं उसको मिटाने का प्रयास करें, तब प्राइवेट मोमेंट्स के बारे में सोचें। सचेत रहें और पूछें, और मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं आपको इसमें पॉजिटिविटी मिल जाएगी। एक छोटी सी पहल करने की ज़रूरत है, पहल करने की कोशिश कीजिए। चुनौती वाला समय जो है वो ख़त्म हो जाएगा आपका कैरियर में खास तौर से, और कहीं ना कहीं सफलतापूर्वक आप सभी बाधाओं को पार करते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। दिन कुल अच्छा है आपके लिए, कुल मिलाकर अच्छा है आपके लिए। आपको चाहिए कि आप बस अपने ऊपर विश्वास रखें। मीन राशि के बारे में बात कर लेते हैं, तो आज कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहेंगे, और कहीं ना कहीं एक सहजता पूर्वक सारे कामों को करते हुए दिखाई देंगे। आज अनुशासन के साथ आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहेंगे, और कहीं ना कहीं जंक फूड नहीं खा रहे हैं तो व्यायाम भी करते हुए आप दिखाई देंगे। आज अपने तरीके से अपने पार्टनर को जो है लेकर आगे चलने की स्थिति रहेगी, और कहीं ना कहीं शांति बनाए रखें। किसी मुद्दे को लेकर पार्टनर से आक्रामक यानी कि ऑफेंसिव तरीके से काम न लें। प्यार जिसे करते हैं उसके प्रति समर्पण भी दिखाने की आवश्यकता रहेगी। अनुशासन और कड़ी मेहनत आपकी एक विशिष्ट गुण है, और इसी से आपको कहीं ना कहीं सफलता भी मिलेगी। कल कार्य क्षेत्र में हो सकता है कि थोड़ी सी निरसता आपको देखने को मिले, हालांकि मेहनत आपकी हमेशा साथ देती है, और थोड़ी बोरियत कल हो सकती है कार्य क्षेत्र में, लेकिन आपको बोर होना नहीं है। तो दोस्तों, ये हुआ थोड़ा सा आप लोग का 9411848508 घटनागर अभी 24/11@gmail.com, और मेरी वेबसाइट को ज़रूर देखिएगा। इसी तरह चैनल के साथ बने रहिए, देखते रहिए, बहुत कुछ नया बहुत कुछ देने का प्रयास आपको करूँगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।